खरगोन जिले में रोटरी क्लब स्वास्थ्य शिक्षा और जरूरतमंदों को लगातार अपनी सेवाएं मुहैया कराते हुए समाज सेवा का काम कर रहा है। इसी बीच रोटरी क्लब के डिस्ट्रिक्ट गवर्नर महेंद्र मिश्रा खरगोन पहुंचे, जहां उन्होंने स्वास्थ्य व्यवस्था में और अधिक सुधार लाने पर जोर दिया है। हम आपको बता दें कि रोटरी क्लब आमजन की सुविधा के लिए रोटरी मेडिकल बैंक की शुरुआत कर रहा है, जिसमें जरूरतमंदों को मेडिकल उपकरण मुहैया कराएगा। इस दौरान रोटरी क्लब अध्यक्ष अशोक महाजन ने बताया कि मरीजों को अस्थायी तौर पर पलंग, व्हील चेयर सहित कई उपकरणों की आवश्यकता होती है, जिसके लिए हमने 10 से 20 लाख रुपए की योजना तैयार की है। वहीं डिस्ट्रिक्ट गवर्नर महेंद्र मिश्रा ने बताया कि हमारी संस्था आगामी समय में डायलिसिस मशीन लाने की तैयारी में है और आगामी समय में सुगम स्वास्थ्य व्यवस्था गरीबों को प्रदान करने की कार्य योजना हम तैयार कर रहे हैं। खरगोन से जयंत गुप्ता की रिपोर्ट। खत्म होने की कगार पे है, एक दो कंट्रीज में और ये रह गया, बाकी पूरे विश्व से ये निकल चुका है। लेकिन उसके बाद जो कोरोना में काम हुआ और उस टाइम पर जब लोग निकल नहीं पा रहे थे, उस टाइम पर हमारे रोटेरियन साथियों ने मेडिकल इक्विपमेंट ऑक्सीजन प्लांट से लेके और नीचे तक उनको हर तरह की सुविधाएं, उनको हॉस्पिटल मुहैया कराना, उनको जो जो जरूरत पड़ रही थी वो हमारे रोटेरियन साथी हर जगह कर रहे थे। सो ये एक सेवा का एक जो हम लोगों के दिल में एक जज्बात रहता है, ये हम सबके साथ रहता है और उसी वजह से हम लोग बहुत सारे काम कर पाते हैं, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे वो स्वास्थ्य का क्षेत्र हो, चाहे वो स्वच्छता का क्षेत्र हो, या जैसे अभी देख रहे थे कि नए बच्चे और माताओं के देखरेख का ये हो, हमारा पर्यावरण का क्षेत्र हो। आज जैसे देख लीजिए, अगर आपने गोद लिया है इसको, तो ये पर्यावरण के हिसाब से आप लोगों ने इसे अब इसे विकसित करेंगे, मुझे पता है, और ये बहुत अच्छी तरह से विकसित होगा। और जब मैं यहाँ पे कभी आना हुआ, दो तीन साल बाद आऊँगा, तो मुझे ये सचमुच दूसरे ही तौर पर, पूरी तौर पर परिवर्तित हुआ, मतलब की एक अलग ही पहचान है। फिर आज देखे तो मेडिकल बैंक को लेकर नया आयाम पेश करने जा रहे हैं, क्या कहना चाहिए? ऐसा ये कोविड काल चला है, इसमें हमें ऐसा लगा कि खरगोन में कई लोगों को अस्थायी रूप से पलंग वगैरह जो 5-5, 10-10 हज़ार पलंग आते हैं, या फिर व्हील चेयर आती है, वॉकर आते हैं, इनके अस्थायी ज़रूरत पड़ती, जो उनके लिए कई गरीब लोगों के लिए खरीदना भी मुश्किल है, या फिर ये संपन्न भी है तो उसको 5-7 दिन के लिए वो इतना महंगा क्यों खरीदे। उसके लिए हमारे दिमाग में ये आया कि हम ऐसा कुछ काम करें जिससे खरगोन में ये आवश्यकता पूरी हो। इसके लिए हमने लगभग एक टारगेट बनाया है कि 10 से 20 लाख रुपए इसमें खर्च करेंगे। आगे आने वाले टाइम में इसमें हम कोशिश करेंगे कि एम्बुलेंस भी आए। अभी भी हमारा शव वाहन चल रहा है, एक जो हार्ट से रिलेटेड जो बड़ा जो वेन है वो चल रही है। अब हम चाह रहे हैं कि एक आध दो एम्बुलेंस भी आए। आगे चल के हम सोच रहे हैं कि डायलिसिस के लिए सर से बात चल रही है, कि डायलिसिस आ जाती तो डायलिसिस के लिए हमारे खरगोन से सभी को बाहर इंदौर वगैरह जाना पड़ता है, जिसमें खर्चा आने जाने का ज़्यादा होता है, इलाज का उतना नहीं होता। तो हम कोशिश करेंगे कि रोटरी क्लब के माध्यम से हम ये काम करें। मेडिकल या मेडिकल बैंक में जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं, ये इसका उपयोग कैसे मिल पाएगा, मतलब घर में ये, अस्पताल में ये हमारे एक जगह नियत स्थान करेंगे। नियत स्थान पे अभी हम प्रेस नोट भी देंगे कि इस जगह से जो भी आना चाहे, जो भी लेना चाहे, वो वहाँ पे आके अपना नंबर वगैरह दे के हम देखें कि जिला अस्पताल की हालत देखें तो वहाँ पे ज़मीन पर जो मरीज पड़े नजर आते हैं, क्या लगता है उस चीज़ों को देख के किसी तरह की प्रेरणा आई? उस तरीके से तो नहीं है ये, कि इस तरीके से आई है कि कई लोग बाग बोलते हैं कि जब मेरे घर पे मेरी मम्मी की तबीयत खराब हुई थी, हमको व्हील चेयर की ज़रूरत पड़ी थी, तो हमको खरीद के लाना पड़ी, बट चूँकि सक्षम थे, अब 4 रोज़ बाद उस व्हील चेयर का कोई काम नहीं, 4 रोज़ में मम्मी तो अच्छी हो गई। तो यदि वही काम, यदि वही व्हील चेयर यदि कहीं पर मिल रही होती, ये किसी का भी हम काम में आ सके, तो मेरे को उस हिसाब से लगा है। यदि किसी का फ्रैक्चर हो गया, उसको डॉक्टर ने 1 महीने का आराम का बोला, तो 1 महीने के लिए उसको बेड की ज़रूरत हो, बेड ले जा सकता अपने यहाँ से। तो इस तरीके से अलग अलग चीज़ों के लिए अभी मुझे मेरे अनुभव के अनुसार आगे चल के आपको 4-6 महीने में आप लोग खुद एहसास करेंगे इन चीज़ों का अच्छे से उपयोग हो रहा है, और खरगोनवासी अच्छे से उपयोग। मैं रोटरी क्लब प्रेसिडेंट अशोक महाजन, रोटरी इंटरनेशनल 304। हेलो फ्रेंड्स,
आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।